आप लोगों में से हिंदी सब अच्छा नहीं जानते हैं, हिंदी कौन जानते हैं, सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं। नवीन के आने के बाद फिर उन लोगों ने मुकाबला नहीं किया, शांत हो गई धीरे धीरे। और घर में जाकर के बड़ा प्रयास किए थे लेकिन कहीं से भी समर्थन नहीं मिला, तो फिर ठंडे हो गए। बाद में तो जहाँ हम क्लास करते वहाँ बैठे आप ही। आप लोग घर घर में नहीं गए? नहीं, सब लोग खुद ही जो आ गए आखिरी क्या बात है हमें समझाओ, उनको समझाया और उनको समझ में आया। अपने अपने दूसरे दूसरे आत्माओं को समझ रहे हैं, लेकिन अपने बाबा को सबसे गए ज्ञान सुनने के बाद बाबा की सबसे नीचे जिससे बैठा उनके तरफ टोटल कितने हैं ड्यूटी में? तो सब मिला के जितने जितने गीता पास वाला और भी धंधा में कितने धंधा में टोटल मिला के कितने 35-40 की ऊपर ही होंगे, 35-40 के ऊपर है। और रेगुलर कितने आते हैं? रेगुलर एडवांस में या वो अभी तो 5-7 ही जाते हैं। पहले पहले तो सब गुरुवार के दिन ज़्यादा होते थे, 30-40 ही होते थे, बाकी रेगुलर में से 15-20 रहते हैं। 15-20 में यहाँ कितने आ गए? यहाँ हम आज बहुत साथ में 15-20 में 10 आ गए। बढ़िया, रेगुलर में से जब 10 आ गए तो फिर बाहर रह क्या गया? 2 आ गए, चुना हो गया। 10 तो भर्ती किए हुए, बाकी और भी निकल रहे हैं। 10 तो भर्ती कर चुके हैं, बाकी और भी है जो निकल रहा है लेकिन भर्ती नहीं कर रहा है। और भर्ती करने और जाने वाले हैं जी, 7-8 लोग जाने वाले हैं। अभी तो 1-2 ही बचा है उस सेंटर में, ज़्यादा नहीं। गीता पाठशाला किसके घर में है? अभी तो गीता में क्लास चलते हैं। आपके घर में क्या चल रहा है? आप यूनम वो दो लोग हैं, 3 साल चल रहे हैं, 4 साल अभी 2 महीने से आए, 2 महीने में खूब होशियार हो गए। 2 महीने में ब्रह्माकुमार जी टीचर से टक्कर लेने लायक हो गए हैं। गुरु गुरु रहेगा क्या, अकेला टक्कर हो गए। जल्दी जल्दी आस पास के गाँवों में सेवा कर डाले हैं, तुरंत तुरंत असर ज़्यादा अच्छा निकलेगा। बाद में तो फिर बात वो कुछ गुलानी का इंजेक्शन लगा के ठंडा कर देंगे। आप सुनाएंगे ज्ञान और वो सुनाएंगी गुलानी। गुलानी का इंजेक्शन भी बहुत पावरफुल होता है, तो एक बार लिख के बैठी आज लाने की बात है और फिर वो किसी की बात सीखा ही नहीं। ऐसे कोई निकले धंधा में जो आपकी बात नहीं सुनते? अभी तो जिस दिन वो मुकाबला हुआ था, दूसरे दिन वो इस्तांबुल के टीचर और बनारस के टीचर मिलने गए। सुरेंद्र, हाँ नहीं सुरेंद्र बहन, वो छोटे ब्रांच के टीचर है, छोटे ब्रांच के आ गए, गोरखपुर के आ गए कमला में। जो हमारे है ना बाबा, हमारे गांव से एक थोड़ा वो नदी है, हाँ नदी को उस तरफ बनारस जोन, इस तरफ ईस्टर्न जोन पड़ता है। अच्छा अच्छा। और 2 जोन का कोई आना जाना नहीं होता था, बंदा था उनके बीच। अच्छा अच्छा। अब हमारे साथ मुकाबला हुआ तो फिर वो अपने मेल हो गए, मेल हो गया, एक हो गए, हम अलग अलग होने से इनको चांस भैया हो गए। तो उन्होंने सारा बात फैला दी। तो यहाँ जो कोर्स कराने वाला भाई या जो दूसरी जो एडवांस पार्टी में गया, वो तो शंकर पार्टी बोलते हैं, हाँ तो उनको घर में आने जब आएंगे ये हमारे जो कोर्स कराया था ये भाई ऐसा था वैसा था करके उसको घर में स्वागत नहीं करना। अच्छा, उसको चाय पानी भी नहीं पूछना, उसकी बातों को नहीं सुनना। ऐसे मिले ऐसे ऐसे वो सेंटर में सबको सूचना है, बोलते भी थे। लेकिन आप लोग आपके साथ ऐसा सब आता हुआ कि उनके घर गए हो और उन्होंने घर में मैं पहुंचा था, लेकिन उन्होंने सेंटर की सारे बातें सुनाई। लेकिन हमारे से तो वो दूर नहीं है, वो हमारे फेवर में आते हैं, लेकिन सेंटर में ऐसा सूचना दिया, उनको सूचना सुनाया था कि अगर आप वैसे जो शंकर पार्टी में गए उनको अगर घर में स्वागत करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके साथ दृष्टि मिलाएंगे तो वो जादू लगाएंगे। उनकी बातों को नहीं सुनना, उनके साथ दृष्टि भी नहीं मिलाना, उनके घर में स्वागत भी नहीं करना, चाय पानी भी नहीं पूछना, ऐसा करके सेंटर में सब जगह सूचना सुनाया हुआ है वहाँ। और ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है जी। एक दो परिवार से हम मिले तो ऐसी ऐसी बातें सेंटर में हुई थी कि आप शंकर पार्टी में गए हो। तो मैं तो वहाँ स्टडी करने गया था स्कूल में, इतनी सारी गिलानी होती है तो वहाँ क्या चीज़ है तो पहले चेक करने गया था। अच्छा, इस बारे में आपने पहले भी सुन रखा था? 96 से सुन रहा था बाबा। अरे जी, क्या सुनाते रहते हैं ऐसे ही? वो मैं माउंट हाउस सेवा में गया था, हाँ, उस टाइम से ऐसी बातें बुलाने की बातें माउंट हाउस से ही सुनते चले आ रहे जी। यहाँ डंडा में नहीं सुना है? डंडा में बाद में सुना, लेकिन माउंट हाउस में सुना। इनको तो सेवा के लिए भेजा था ब्रह्माकुमारी ने, जैसे डंडा में शंकर पार्टी घुस गए करके, ये भाई माउंट हाउस की सेवा में थे। अच्छा, तो वहाँ से इधर इनको भेजा, जा करके आप समझ लिए वहाँ करके सब शंकर पार्टी में जा रहा है करके इनको इधर भेजा, लेकिन वो आकर के शंकर पार्टी बन गए। ब्रह्मा कुमारी कितनी मेहनत करते हैं, कितने दर्शन करते हैं, कितने मेले मेला खड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद कहीं थोड़ी सी आत्मा रेगुलर बन पाती है। और यहाँ ऑटोमेटिक सर्विस होती है, यहाँ न कोई मेला न मला कराया, न प्रदर्शनी, न कोई भाषण, न कुछ भी नहीं चलता। यहाँ तो बस अपना प्रसाद है, अपना बाबा को याद करो। बाबा ये भी बोलते हैं कि तुम लोग संघ पार्टी में गया हमसे विरोधी होकर के, और तुम्हारा ये पश्चिम और पूर्व इनकी निषेध बोलते हैं, आप अंदर नहीं आ सकते, अंदर जाएंगे तो वहाँ से निकाल करके आपको कोई ठहर नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, पूरब तरफ ईस्टर्न जोन का है पश्चिम बनारस में, हम एकदम बॉर्डर में सेंट्रल पार्टी एकदम बॉर्डर में दोनों तरफ। और ईस्टर्न जोन वाले कुछ बोलेंगे तो हम बनारस जोन की तरफ दिखाई पड़ते हैं, फिर बनारस जोन की तरफ कुछ ईस्टर्न जोन की तरफ दिखाई पड़ते हैं। तो वो दोनों जोन के अभी दीदी बहन जो है वो मिले हुए हैं, और दोनों तरफ से हमारे मुकाबले में बहुत अंदर से लगे हुए हैं। क्या मुकाबला करेंगे? मैंने कोई मुकाबला उनका मोर्चा सिर्फ ग्लानी सुनाने का होता है जी। कोई भी मिलेगा उसको बैठ करके ग्लानी सुनाएंगे, बस ये उनका मोर्चा है। कोई बात नहीं करेंगे, हाँ जी हाँ जी, बुराइयाँ करते हैं, पर्सनल बुराई, वो पर्सनल बुराई पकड़ेंगे बस, और कुछ नहीं। कितने लिया है बाबा? हम आपके टेस्ट में गए थे भक्ति में इसी, तो अभी तक 3 ग्रुप गए वहाँ डंडा से भक्ति में, तो सीढ़ी तो बहुत दर्जन लिया है। कितना आ गया भाई? लाए थे लगभग 10 दर्जन। 10 दर्जन? मैं भी 2 बार करीब 6-7 दर्जन लाया था, ये भाई जी भी बहुत लाया, आपको काफ़ी आ गया। और बुक में जो मूर्ति बनी हुई है वो भी है, और ये भी दूसरी भी है कोर्से की बुक की, सब जितने भी फैसलाबाद में जितने भी बुक बने हुए हैं इतने सब आ रहे हैं। एक बार कर लेंगे, मजबूत हो जाएंगे, उसकी ग्लानी काम नहीं करेगी। वो जितना गलानी करते हैं बाबा हमारे तरफ और मसाला काम करता है, मजा हो जाता है। गलानी की बातें सुनाते हैं ना, वो जो खेल हो जाता है गलानी तो फिर और जल्दी आत्मा पकड़ना। ठंडा पूरे परिवार कितने चल रहे हैं? परिवार के परिवार पूरे परिवार टोटल? हाँ एडवांस एडवांस में अभी तक हम 17 लोग भर्ती किए। 17 लोगों ने भर्ती कर ली? अच्छा, तो पूरा परिवार को निकला? पूरा परिवार तो ये आपका परिवार सर, एक भाई वो आए नहीं है, एक रिश्ता है उनके वो आ नहीं सका। उनके घर में बेसिक का गीता पाठ करना था, अभी वो बेसिक वाले ने गाँव की आबादी भी पूरी पॉपुलेशन तो वही रेगुलर वहाँ जो बेसिक में क्लास करते हैं हम पॉपुलेशन पूछे वो आम पब्लिक वो तो गांव है बाबा, इतना बड़ा छोटा गाँव ऐसे ऐसे ही गाँव। हाँ ऐसे गाँव ना ऐसे बड़ा ही है, दूर दूर में तो गांव तो है लेकिन नजदीक में थोड़ा वो नहीं है, ऐसे पहाड़ों पर होते हैं ऐसे ही है जी। मैंने थोड़ा पतला गाँव है, 200-250 आबादी है, 250 लोग, 250 घर है, घर मैंने एक जगह ऐसे इकट्ठा नहीं है, बहुत दिख रहा है ऐसे उनके पास। और वो बेसिक वाले ने वहाँ मुरली साहब को बंद कर दिया, अलग कर दिया, एडवांस इंग्लिश गीता पाठ कर रखा अलग कर दिया। थोड़े दिनों छोड़ के भाग जाएंगे, अभी यही रास्ता है हमारे माता जी का। थोड़ा दम और बढ़ेंगे। बोले तो बड़ी मोहन को बुलाकर हमारे बेच निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? बैज नोट लेंगे। ये जो बैज में क्या है? दीदी बोल रही थी तो बैज में क्या है? तो दिन की रख दी है, दिन की कोई मतलब ही नहीं। हमने कांडा और बैज दोनों ही निकाल कर रखा, वो पहले से ही ले ले दीदी आने लगी। हम तो सोचते थे ऐसे बोलेंगे तो तुम लोग वापस आओगे, दे दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो सब क्या है कि दादी ने पूरा बरगला दिया, हठयोगी बन गए, अर्थात बदल ली सच्चाई के लिए हट नहीं बदलनी चाहिए, सबका नुकसान हो गया। चलो वो भी कल्याणकारी है, धीरे 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 निकल रहे हैं अपने अपने टाइम पर। घूम रहे हैं बाबा साकार में है, आप लोग क्यों गुमराह पड़ रहे हो? बाबा साकार में है। हाँ हम बोल रहे हैं उन लोग को, तो दादी ये बड़े भाई ये सब झूठ है, ब्रह्मा बाबा सब झूठ है, वही बोलती है। वो तो वही बात हो गई कि ऋषि मुनि सन्यासी इतने पुराने पुराने वो सब झूठ बोलते थे। ब्रह्माकुमार ये सच्चा बोलते हैं कि हम 72 साल से हम चल रहे, हम झूठे और आप अभी चल रहे, आप सच्चे हो गए। ऐसे हजारों साल जिन्होंने तपस्या की ऋषि मुनि सन्यासी वो भी तो झूठे हो गए, हम तो 72 साल से ही कर रहे हैं ऐसे बोल बोल करके। जो अभी एडवांस के थोड़ा कोर्स स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा हिलाते हैं जी। हम 72 साल के पुराने, हम झूठ हो गए और ये लोग अभी अभी तुम्हारे पास सच्चाई है तो बताओ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोल बोल करके लोगों को बताते हैं। सब सच्चाई ज़्यादा धीरे 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 विस्तार होता जा रहा है, एडवांस पार्टी ऑटोमेटिक विस्तार हो रहा है, कोई अलग से सेवा भी नहीं करनी पड़ती है, एक एक बैठ के एक एक कुटुंब जाएंगे तैयार हो जाते हैं। ये है 400 का हुजूम इकट्ठा नहीं पकड़ रहती है, उनमें एक कौआ होगा जो सबको उखाड़ देता है, एक को घंटे 2 घंटे बैठ के समझाए उन्हें उनकी समझ में आ जाएगी। और अभी भक्तिघर से आई हुई हमारी माता जी है वो संशय में आ रही है, क्या करें? वो दीदी लोग उनको पढ़ा पढ़ा करके उनको फिर संजय बुद्धि बनाए, उधर जो बच्चे बूढ़ी है सेंटर में उनको थोड़ी अकल कम है, बूढ़े बाड़े हैं वो तो उनको तोड़ लेते हैं जी। तो रास्ते में आए थे तो वो निश्चय वो भी खास लाने की बातें सुना दी, अभी वो दीदी लोग उनके बुद्धि में पता नहीं क्या भर भर करके अपने पीछे वो चला रहे हैं उनके घर में। माता है घर में ब्रह्मा कुमारी होगा चलो तीन कमरा को तो पकड़ लिया, थोड़े पाँच हमारे लायक तो हो गया कम से कम। तीन कमरा वो सेंटर के लिए दिए हुए हैं, घर में 8-10 कमरे हैं। 3 कमरा सेवा के लिए दे सकते हो। हमें ये उनके छोटा बेटा और बहू सारा परिवार भट्टी करके आए, उनको मालूम पड़ गया तो वो एकदम जल्दी से भट्टी में जाने के लिए बहुत उमंग हो रहे हैं जी। तो फिर वो ये पति है उनकी, इनको फिर लेके गई और अभी वो दीदी लोगों ने उनको बिजली में तकलीफ क्या कर दिया और फिर वो माता जी तो ये थे माता जी बहुत रेगुलर क्लास करते रहेंगे, कराते रहेंगे, सुनाते रहेंगे बाबा की वाणी तो असर नहीं होगा किसी को, चाहे किसी ने क्या भी सुना। लेकिन अगर मुरली सुनना बीच बीच में बंद कर देंगे तो असर नहीं होगा। सदगुरु बार के भोग ले करके भाइयों को घर में जाती है बांधने के लिए। हाँ, बांधने के लिए पहले नहीं जाती थी, अपने आप आते थे, अभी आना छोड़ दिया तो घर में वो भोग लेके जाती है। आपका क्लास बहुत बढ़िया है, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। सबसे भी वाला किनारे पहाड़ों के बीच में देखने में आता है कि हाँ नेपाल है। गाय को तो नहीं रखते हैं, बैल को रखते हैं। वो अपनी बात को पक्का करने के लिए कि हाँ गुंजार दादी भी नंदीगण है, तो झूठी बात है। एक तरफ ब्रह्मा बाबा को बैल बताते हैं, दूसरी तरफ गुंजार दादी को बैल गाय को बता देंगे। तो बोलता है कि बाबा गाय के पीछे लग करके पार हो जाएगा कि गुरु पीछे पार हो जाएगा, गाय की तरफ पकड़ना चाहिए। बोल लेते हैं बैल हो गया, गाय हो गई, बाबा बैल हो गया। नहीं एडवांस पार्टी जो बाबा बैल हो गया, माउंट आबू में कन्या में तो गाय हो गई। चलती है कन्या में तो शिव बाबा आते ही नहीं, तो बोलते वो गाय है, गाय का फूस पकड़ने से बेहतर नहीं पार हो सकते। लेकिन बैल का फूस देहलवान की होती है, देहलवान की फूस पकड़ने से पार होता है, ऐसे बताते हैं। अकेले पार के माता के सामने में बहुत कुछ जहाँ, लेकिन मैं चुपचाप सुनते रहा। ठीक है राम दिल से, ठीक है इतना कहो, अचानक बाद में ठंडा हो जाओगे तो बस मेरे मन में लगता बना रहा। और वो बोलते हैं तुम लोग फरसाबाद गए, तुम अपवित्र होके आए हो और तुम्हारा ये सेंटर में अब से लेकर दरवाजा बंद है। अच्छा, तुम घुस नहीं पाएंगे, सड़क के गेट में नहीं जाएंगे। हाँ, और तुम जो मधुगर देते हो वो भी अपवित्र हो गए। अच्छा, और इस माह से जो भर्ती करके भी तुम लोगों ने हमें बताया नहीं कि हम भर्ती करके आए हैं, तो फिर मधुगर दिया। हाँ, तो ये अपवित्र हो धन हम यज्ञ में नहीं लगाते। अच्छा, तुम्हारा इस मास का मधुगर वापस कर देंगे, ऐसा धन कर देंगे। करते नहीं है। पहले तो धमका है, बाद में फिर कोई नहीं गए क्लास में। सदगुरुवार का दिन भी खाली हो गया, किसी घर में बुला नहीं आया। और दिन भले नहीं आओ तो भी सदगुरुवार के दिन आ जाना, गुरुवार को तो कम से कम चोली वोली खाने के लिए आ जाओ, पैसा भी मिलता रहेगा। हमने जो भी बोला उसको बुला कर आया था, तुम लोग नहीं होंगे तो कोई भी नहीं आएंगे, ऐसे बोलकर रोने लगे। उनको रोने से भी क्या होगा, रोने से कोई सच कट को थोड़ी थोड़ी त्याग देगा। सच्चाई को तो हर आदमी फॉलो करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं, नरक में सीखा चुकी हमारे झूठी दुनिया से सीखा सब कुछ छुड़ाना चाहता है। तुम अपने को चेंज करो, झूठी बातों को त्याग दो, भगवान से तुम दूर करना चाहते हो। शैतानियत की बात है, झूठी की सुना सुना कितना टाइम लगा वहाँ से यहाँ आने? 2.5 घंटा लगा। ये क्या गाँव वापस आने का विचार है या पोखरा जाने का विचार है? ऐसे तो मन से बने बाबा ग्यारह तक का कपड़ा गाड़ी है खाली का मन से उसको मन से जाने से ठीक है। बाकी बिल्कुल ज्यादा डॉक्टर हो गए बाबा तो शास्त्र में दिखाते हैं ना। दोस्तों ने अपनी काम लोग किया था वो गोपियों ने अति इंद्रियों तक संभव किया था, वो अनुभव हम नहीं कर पाएंगे क्या? हम नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? अंत समय का गायन है जो संपूर्ण विशेष बने। अभी तो 63 जन्म में कर्म कूट रहे हैं, अभी नहीं कर पाएंगे। अभी 63 जन्मों के कर्म कूट रहे हैं कि नहीं कूट रहे हैं? अवस्था नीचे ऊपर होती है या नहीं होती है? अति इंद्रियों को मिलेगा खत्म थोड़ा ही होगा, अविनाशी हो जाएगा। काली को जो बलि देते हैं वो क्यों देते हैं? बलि बलि देते हैं। काली प्रकाश बलि नहीं देती है, शिव बाबा भी बलि लेते हैं। शिव बाबा के ऊपर भी अर्पण होते हैं, महाकाली के ऊपर भी अर्पण होते हैं। अभी महाकाली निकलने वाली है, ढेर सारे सरेंडर हो जाएंगे उसके पीछे। शिव बाबा के पीछे सरेंडर होते हैं, वैसे काली के पीछे भी सरेंडर होंगे। लेकिन मुरली में एक बात बोली है, देवी की पुजारी होते हैं रावण के संप्रदाय। ये नहीं बोला शिव बाबा की पुजारी रावण संप्रदाय होते हैं या देवताओं की पुजारी रावण संप्रदाय होते हैं, लेकिन देवी की पुजारी रावण संप्रदाय होते हैं। जो पुजारी बनेंगे वही तो सरेंडर होंगे, दूसरे नहीं सरेंडर होंगे। और देवी जी तो दो तरह की है, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। बलि कौन सी लेती है? शाकाहारी देवी बलि लेती है या मांसाहारी बलि लेती है? मांसाहारी बलि लेती है। महाकाली का मंदिर बना हुआ है कलकत्ते में, बकरे अकरे कटते ही रहते हैं। बकरे कटने वाले के लिए बाबा क्या कर्म की देवी करती है? मैं जो करते हैं उन्हीं की बलि लेती। वो लोग अहंकार रहता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, किया कुछ भी नहीं। अब ब्रह्मा कुमारों को कितना अहंकार है कि हम नई दुनिया बनाएंगे, लेकिन नई दुनिया बना रहे हैं क्या? और पुरानी दुनिया होती जा रही है। तो भक्ति में जाकर के वो स्कूल में बकरा काटते हैं ना, उनके लिए कर्मों की क्या भक्ति है? इसके बारे में अनुकरण करते हैं हमारा, तो उनके लिए पाप का क्या हिसाब करते हैं? तो बकरा काटते हैं कि एक काटते हैं, यहाँ रोज मछलियाँ काटी जाती हैं। सागर में भी कितनी अरबों की तादाद है। ये तो मनुष्य भोजन करता है। अगर आज मांस का भोजन खत्म कर दिया जाए तो आधा संसार भूख मर जाएगा। तो इनके खाते में पाप का हिसाब किताब नहीं बनता, थोड़ा बनता है। मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है, उसको मारने का ज़्यादा पाप बनता है। मनुष्य दुनिया के वायुमंडल को चेंज कर सकता है, मनुष्य के चेंज होने से सारी दुनिया चेंज हो जाती है। तो मनुष्य की वैल्यू ज़्यादा है, जानवरों की वैल्यू कम है। वैल्यू के हिसाब से पाप नहीं भी करता है। और बाबा दक्ष प्रजापति को बकरे के सर से काटे, वो भी उल्टा। किसकी यादगार है? उनकी यादगार जब ज्यादा बेभान बढ़ जाता है, बेहंकार बढ़ जाता है कि हम ही सब कुछ है, तो बकरे की दाढ़ी लगा दीजिए यादगार। उल्टा उल्टा होना उसको सानी ये कथा है उसमें ऐसे बताया हुआ है कि उन्होंने शिव की निंदा की थी। हाँ, तो उनको जब ज्यादा अहंकार बढ़ेगा तो नास्तिक बनाएगा और नास्तिक बनाएगा तो अपने को भगवान समझ में आएगा। शंकर की निंदा की तो दूसरा बकरे का सिर काट करके लगा दिया। अब बकरे का सिर थोड़ी काट के लगा दिया, वास्तव में तो देह अभिमान की बात है। लौकिक माता ले बोलते के तुम दूसरे बिंदु को याद करते हो, मैं शंकर के भक्त हूँ, भक्तवाद में चिंता शंकर ने भांग भतुआ को पीते थे, मैं छोड़ना सकती हूँ। भांग भतुआ नहीं छोड़ सकती। हाँ, वो पीते हैं कि भगवान के पीते हैं। अच्छा, हाँ, मैं राय देता हूँ कि भगवान के मौत है कि स्रोत श्रुति छोड़ दो, नहीं सेवन करना चाहिए। तो बोलता है हाँ, तो वो मानो, मैं नहीं मान सकता। किनारे में कोई छूट बातों को उठाया हुआ नहीं। भांग पीते तो भांग में कोई अकेली भांग थोड़ी मिलाई जाती। बंगाली का मतलब है बेचारी बन जाना। वो माता जी बोलते हैं शंकर जी ने जो ये भांग धोकर खाया था वो हमारे लिए प्रसाद है, तो हम प्रसाद नहीं छोड़ सकते। तुम ज्योतिबिंदी को मानती हो और मैं शंकर बाबा को मानता हूँ। शंकर बाबा को मानती हूँ, पूछो तुम शंकर बाबा जिसको मानते हो वो शंकर बाबा किसकी याद में बैठे हैं वो तो बता दो। जरूर कोई दूसरे की याद कर रहे होंगे, तो किसकी याद में बैठे? वो भी उसी बिंदी की याद में बैठे। लक्ष्मण ने सुवर्णरेखा के नाक काट दिया, वो ये ज्ञान से क्या बेइज्जती कर दी। मामा जन्म लिए ना अभी, मम्मा कहाँ कहाँ जन्म लिया? वो तो बोला ही नेपाल में। एक जगह बोलते हैं नेपाल में जन्म लिया, दूसरी जगह कहते हैं मम्मा अभी दिल्ली में सेवा कर रही है, तीसरी जगह बोल रहे हैं मम्मा अभी लंदन में है। तो आखिर है कहाँ? अभी बोल रही है और जिस तन में हो है ना उसी तन से इतना तो जन्म देकर फिर खुद अपना शरीर छोड़कर राधे बनने चली जाती है। मुरली दिखाओ, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। हमने बहुत आगे पढ़े तो मुरली बिना मुरली मानेंगे कौन? बाबा ने कहा बुद्धिमान बच्चे बाप वो कहते हैं मैंने अमाउंट आओ में क्लास को सुना, तो क्लास सुनी सुनाई बातों में कौन विश्वास करता है? भारतवासियों सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाली। हाँ, दुर्गति को थोड़ी पाना है। आपको ये कहाँ मिला? बात कहाँ मिला तो बोलते अमाउंट आओ में क्लास में सुना था। वो क्लास में सुना तो आपको सुना होगा, आपके कानून झूठी बात सुन ली तो हम भी थोड़े मान लें। तो हमने बोला हम भी 4 साल रहे माउंट आबू में, ऐसा क्लास कभी नहीं सुना। आपने कब सुनी ऐसी बात है? तो वो नहा जाता और विष्णु का 4 भुजाएं दिखा देना, 4 भुजाएं किसकी करती है? यदि कि आज में मम्मा बाबा कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई था? कौन थे मम्मा और बाबा? त्रिमूर्ति में आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते। तो जो त्रिमूर्ति में आते हैं वो आत्मा कौन थी? यदि कि आदमी वो 3 आत्मा है और बाद में मम्मा बाबा, ये 5 आत्मा हो गई। उनमें 4 भुजाएं हो गई और 4 भुजाओं को चलाने वाला एक राम वाली आत्मा होगी। इस तरह 5 ब्रह्मा के मुख दिखाए जाते हैं। एक मुख काट दिया गया माने देवान अलग हो गया, बाकी ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्मा नाम से ही जाहिर होता है कि वो दाढ़ी मूछ वाला है, भिखारी है, सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जो सर कट गया वो तो संपन्न बन गया और बाकी ब्रह्मा की पूजा नहीं है। ये 5 आत्माएं हैं, मम्मा बाबा और उनको जन्म देने वाले, लेकिन ये आज की 2 और एक और माता है जो ओम राधे बनती है। क्या नाम यज्ञ में आज में राधे का पाठ बजाने वाली थी, अंत में लक्ष्मी बनती। इसमें 5 आत्मा का यादगार होगा, 4 भुजाएं हो गई और 4 भुजाओं को चलाने वाला भी तो कोई होगा। वो कौन? राम वाली आत्मा। मनन चिंतन मंथन 5 ब्रह्मा में से किसने किया? राम वाली आत्मा। चिंतन मंथन करती है मुरली का, जो अपनी होते है उसी को लगा जाता है, प्राप्ति सबसे जाती होती है। भूजा ऊपर नीचे दिखाते हैं ना बाबा, विष्णु का भूजा ऊपर नीचे दिखाते हैं, और ऊपर नीचे का मतलब क्या? उनकी तेज है, उनकी नीचे तेज है। शंख और चक्र ऊपर दिखाते हैं, शंख है चारों तरफ दुनिया में आवाज फैलाने की बात। मैंने वैष्णो देवी जब निकलेगी, विजय माला की हेड जब निकलेगी, चारों तरफ दुनिया में आवाज फैल जाएगी। ऐसे ही चक्र मम्मा तो 10 चक्र घुमाने वाली थी। ब्रह्मा गदा चलाते, बेदारों को सीधा गदा से मारते, बुद्धि उनकी ज्यादा काम नहीं करती। ऐसे ही कमल फूल जगदम्बा की याद आ रही। ईश्वर की दुनिया में रहना और फिर भी पवित्र मन भी जीते रहना। आठ नारायण है ना, नारायण कितने? 8 नारायण है और कितने धर्मों से कनेक्टेड है? वो 8 नारायण कितने धर्मों से कनेक्टेड है? 8 ही नारायण, 8 ही धर्म है। तुम्हें 8 नारायण होते हैं ना, तो 8 नारायण में पहला नारायण तो सूर्यवंशी देवता हो गया, दूसरा नारायण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरा हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चौथा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे 8 नारायण है ना, तो 8 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। असली तो वास्तव में संगम ही भी है। तो अच्छा बच्चे के बीच में दिखाते हैं। अब दादी दीदी बोलती है ना, बदल में जाकर बाबा से हम सामने से आए, तो क्या लेकर हम जाता है ना स्वप्न में, ऐसे साक्षात्कार में जाती है। बातें झूठी नहीं है, लेकिन कोई संदेशियाँ झूठ भी सुनाती है। यार दादी के द्वारा जो संदेश आते हैं वो झूठे नहीं है यार, उनका अर्थ होता है। जैसे स्वप्न में कोई स्वप्न देखता है सूक्ष्म शरीर से, ऐसे ही वो जागृत अवस्था में ध्यान में चली जाती है, साक्षात्कार में। और वो तो भोग लगाते हैं, वही तो साक्षात्कार में जाते हैं। भोग लगाते हैं तो कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म बदल में जाते हैं। बाबा हम लोग सपने में देखते हैं, सपने को कैसे लिया जाता है? सूक्ष्म शरीर उधर तो घूमता नहीं है, शरीर यहीं पड़ा रहता है, और सूक्ष्म मन बुद्धि जो है चारों तरफ घूमती नहीं है। जैसे सूक्ष्म मन बुद्धि चारों तरफ स्वप्न में घूमती है, ऐसे साक्षात्कार में घूमते हैं। शरीर जहाँ का तहाँ एक सब बना रहता है। पूरा मकान जला हुआ देखा था, सारी दुनिया जल जाने वाली है, मकान आपका अकेला क्या है? आपका मकान बच जाएगा क्या? नहीं, और सारी दुनिया जलेगी। सारी दुनिया हमारा घर ही तो है। हाँ, मजबूरी जो भोग लगाते हैं ना संदेशी की, तो वतन में जाके बाबा को भोग खिला के आए बोलती है। कौन से बाबा खिलाती है? हिंदी बाबा तो खाता नहीं है, ब्रह्मा बाबा को खिला के आती है। बाप दादा को खिलाया बोलती है। बाप दादा को खिलाते हैं, मैंने बाप जो है वो तो वास्तव में राम वाली आत्मा है, लेकिन राम वाली आत्मा के मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करता है। शिव बाप है आत्मा का बाप। अब खाने वाला कौन है? खाने वाला है शरीरदारी बाप है, और दादा वाली आत्मा उसमें चंद्रमा के रूप में प्रवेश है। बाप भी है और दादा भी है? तो ऊपर जाते तो ऊपर से तो शरीर में ऊपर खाते ऊपर माने ऊंची स्टेज में है दोनों आत्माएं। तो उनको दिखता है शंकर जी को कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं तो कोई कैलाश पर थोड़े ही बैठे रहते हैं। हाय यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में यह आत्माओं ने ऊंची स्टेज में रह के पाठ बजाया, इसलिए कैलाश पर्वत दिखाते हैं। यही की बातें हैं। अभी ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो ये कल्प लाखों वर्ष का होता चला जा रहा है। सूतों की या छोटा लंबा हो रहा है है? उनके लिए तो लंबा पहाड़ की तरह दुनिया बढ़ती चली जा रही। उन्होंने ही जाकर के वहाँ शास्त्रों में लिख दिया लाखों वर्ष का। अभी अंदर अंदर ज्यादा दुखी कौन हो रही? ब्रह्मा कुमारी ज्यादा दुखी हो रही या एडवांस वाली ज्यादा दुखी हो रही है? वो अंदर अंदर ज्यादा दुखी हो रही। तो दुख में समय लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है? लंबा हो जाता है। उनके लिए तो पहाड़ जैसा हो गया था। संगम युग काटे नहीं कट रहा है। वो तो ये ग्रंथ साथी जी बहुत भयभीत है बात बहुत भयभीत है। वो बोलते हैं आप वो ये लोग जब जी के लोग जब शंकर पार्टी में जाते हैं तो वापस आते हैं वो दीदी लोगों को जैसे कि वो भालू होता है ना नाखून 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 से जैसे पिछड़ता है। हाँ ऐसे बोलते हैं शंकर पार्टी में जाने के बाद दीदी लोगों की पड़ती वहाँ की तरफ जाने वाले जो आत्मा है वो सब भालू की तरफ पिछड़ने लगते हैं। डूबी जा ऐसे अनुभव सुनाते हैं लगता है। लेकिन ऐसे यहाँ कोई करता नहीं। ऐसे बाहुबल वही लोग दिखाते हैं, हम लोग तो बाहुबल नहीं दिखाते। हर बात में पुलिस की धमकी देते हैं, हर बात में गुंडों की धमकी देते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं करता। बाबा वो भैरवा है ना वो से थोड़ा दूर है, वहाँ पहले गोरखपुर से भाईपुर से 2 साल पहले आए थे। हाँ वो तो बाहर से आए थे, तो खुद की पावर तो कम हो गई तो पुलिस लगा के उनको खदेड़ा था भैरवा वालों को। हाँ भैरवा में आए पहले 2 साल। अरे हाँ रविंद्र भाई आए थे जबरदस्ती खदेड़ करके बाहर कर दिया। जोड़ना में भी उनको लगा कि ऐसे कोई उधर से कोई ग्रुप आया होगा, उन्होंने यही कार्यक्रम किया होगा, इसलिए वो अपना बाहुबल जमा के आए थे कि यहाँ से खदेड़ रही है। लेकिन सब यहाँ के गिरस्ती भाई बहन है, बात कोई नहीं। तो उनका प्लान फेल हो गया। थोड़ी देर डिबेट किया और वो मुरली का तारीख नोट किया, ऐसा कहाँ लिखा हुआ कहाँ लिखा है। रविंद्र भाई को तो बहुत बुरी तरीके से भैरवा खदेड़ा था। वही समझ करके यहाँ भी ऐसे खदेड़ेंगे, कोई आया होगा जरूर उधर से, यहाँ उनको भटका होगा तो उसको खदेड़ देंगे, ऐसे करके पूरा पावर लेके आए थे। भैरवा तो इधर पश्चिम नेपाल में है, गोरखपुर के नजदीक है। गंडा में पश्चिम नेपाल के अंदर में है। अच्छा तो गंगा से गोरखपुर कितनी दूर है? 4-5 घंटे का रास्ता है। बीच में सोनौली आता है, बॉर्डर सोनौली बॉर्डर है सोनौली। तो डरने में तो कोई भी बाहर से कोई भाई नहीं के देख दिखाई दिए, तो वहीं के घर गृहस्थी वाले तो उनको खदेड़ नहीं पाए। कैसे खदेड़ेंगे? घर से तो निकल नहीं सकते। तो उनका प्लान सारा फेल हो गया। अंत में बुक लेकर के गए कि ऐसे ऐसे कहाँ लिखा हुआ है करके मुरली को पॉइंट नोट कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने अब सारा पॉइंट नोट करने में तो टाइम लगता है, तो हम स्टडी करेंगे करके बुक ही लेके गए थे। वो खदेड़ने की उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। बाद में 2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, एक ही ग्रुप होना चाहिए करके निकल गए। का खंड रजिस्टर लेके आए हैं, 2 रजिस्टर छपे हुए हैं, मुरली के ही हैं। खंड 2 रजिस्टर है। बुक नहीं है, वो मुरलियाँ ही है, मुरली की जो की तो फोटो कापी है, उससे बहुत प्रूफ साबित हो जाते हैं। फिर आप उसको ध्यान से स्टडी करने के बाद तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने नहीं आएगा। इन्हें तो बहुत ज्यादा ज्ञान का सारा घटंग बना दिया है। तो बोलते हैं हमारे मुरली भी जाकर हमको डोमिनेट करते हैं। तुम्हारी मुरली हमारे शिवाओं की मुरली नहीं रही। शंकर पार्टी में जाने से तो अलग हुआ ना, अपना ही चला लो ना। इस शंकर पार्टी में जाने से अलग होगा, हम तो अपना ज्ञान अपना मुरली चला। इसके साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है कि ब्रह्मा का नाम जोड़ा जाता है? और लोग तो मानते नहीं अपना ज्ञान। हमारे नाम शंकर का ही जोड़ा जाता है। वो बोलते हैं हमारे पुराने बीके को नहीं बढ़ता और दूसरा बीके बनाओ, अपना नया बीके। सब पुराने ही पुराने एडवांस पार्टी में निकल रहे हैं, नए तो निकलते ही नहीं। तो बोले हाँ कि दूसरे हम अपना फुलवारी बना रहे हैं बगीचा, तो हमारे बगीचे तो अपने बेसिक प्राइमरी स्कूल के नए नए स्टूडेंट तैयार करो, तो पुराने होते जाएंगे तो हमारी पता भेज दिया। वो बोलते हैं कि हमारे बगीचे में जो हम अच्छे से फूल तैयार करते हैं आप लोग आकर क्यों तोड़ते हो? प्राइमरी स्कूल के का हमेशा प्राइमरी स्कूल में ही रहते हैं, ऊंचे क्लास में नहीं जाते क्या? हाँ, खुद का अपना बगीचा बना। हम अपना बगीचा बनाया ही, और तुम्हारे बगीचे में आते हैं? हमारे बगीचे में तो है, अपना नया बगीचा बनाओ, अपने पास रहो, हमारा बगीचा के फूल मत तोड़ो। हम तोड़ते नहीं, टेस्टलेस करते हैं ना बाबा। नहीं हम तोड़ते भी नहीं, टेस्टलेस भी नहीं करते, वो तो अपने आप आते हैं। हिंदी के लोग आते हैं, उन लोगों को टेस्टलेस हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे फूल है, उनको तोड़ते हैं, उसके मालिक के पास हो जाते हैं। ऐसे वो ब्लेम लगाते हैं ना। अब वो फंस गए, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है सिवाय गुंडागर्दी के। वो तो गड्डियाँ सिवाय फेंकने का, और उन्हें अब कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा है। इस तरह नोटों की गड्डियाँ फेंक करके इन लोगों को फंसा दो। दिवाली में 10 लाख रुपए लेके आए थे रतन भाई, रामसुलभ भाई, बल्लभ भाई, सारे आए थे। उसमें ये 10 लाख रुपए ले लो और तुम छोड़ दो, ये अब मुंबई में आ जाओ, ये धंधा छोड़ दो, ये धंधा छोड़ दो, शंकर पार्टी छोड़ दो। अच्छा, ये 10 लाख रुपए ले लो, ले लिया, साबित करके दोनों झूठा कहा है। अब जब हम अपने लौकिक कार में बैठते हैं ना, तो आपको याद करते हैं, कुछ बात भी करते हैं आपसे, तो बात आप सुनते हुए पकड़े गए यार। तुम बात शिवबाबा से करते हो या देवदारी से करते हो? ऐसा आत्माएं दो है ना, बल्कि 3 आत्मा है। एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा चंद्रमा के रूप में अलग प्रवेश है, एक तीसरे नेत्र के रूप में शिव बाबा की आत्मा, वो अलग प्रवेश है, एक राम वाली आत्मा जिसका अपना शरीर है वो अलग है। तो तुम किससे बात करते हो? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा से तो बात नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत ही पतित है। राम के भक्त, रहीम के बंदे हैं ये सब, आँखों के अंधे, तो उसी नहीं से जाना है क्या? तो राम की आत्मा में है ना, तो बात किससे करेंगे? आज तो शिव बाबा से हमें करनी है ना, हमारी बात है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा हमारा कॉन्सेंट्रेशन शिव बाबा के ऊपर रहना चाहिए ना। हम जानते हैं पतित से पावन बनाने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा है, या शिव बाबा है? शिव बाबा है। हमें आपसे हमेशा बात ही हम शिव बाबा से करें। पतित पावन सीताराम नाम लिया है, फिर क्यों लिस्ट में लगता है? वकालत करने वाले बहुत शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। एक मुरली बाबा ने बोला है, बाबा ने कहा कोई मम्मा के भगत, कोई बाबा के भगत, गायन कोई पूछता ही नहीं। गायन पड़े ना, गायन किस हिसाब से, किस राम के गायन है? वो गायन शिव का है, शिव ने सारा काम किया। अगर सहन शक्ति ब्रह्मा बाबा ने की होती तो 63 जन्म में सहन शक्ति करके नई दुनिया बना दी होती ने। तो उसकी जरूरत दिखने तो राम की आत्मा तो छू है ना। क्या बाबा हमको जो अनुभव होते हैं, बोलना, देखना, सुनना, उठना, बैठना, वो तो राम की आत्मा से अनुभव होते हैं ना। मैंने इसके पहले तुमने जो मुरलियाँ सुनी उस समय राम था? नहीं था। फिर कहाँ से तुमने जान लिया कि ये शिव बाबा की मुरली है? वो किसी की आत्मा से तुमने सुना हुआ सुनते हैं, लेकिन किसी को याद तो नहीं आती ना किसकी आत्मा, किसी को याद तो नहीं आती। ब्रह्माकुमारी को कैसे याद आती? साकार में तो देखा नहीं है ना, उसकी याद कैसे आएगा? ब्रह्माकुमारियों को तो याद आती है, देखा ली ब्रह्माकुमारियों को तो याद आती है, उनको आती होगी ना। तो फिर हमको तो राम की आत्मा सामने मौजूद याद है। वही तो बताया, कोई कोई राम के भगत, कोई रहीम के भगत, कोई कृष्ण के भगत, इन्होंने तो सारा सत्यानाश किया है भक्तों ने। तो नहीं है ना, राम के अंदर शिव बाबा को देखते हैं। हाँ तो शिव को देखो, असली चीज तो शिव है ना। सारी महिमा शिव बाबा की है, न राम की है, न कृष्ण की है, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न महेश की है। वो तो ठीक है, बिना माइक की आवाज कहाँ से निकलेगी? साकार में दिखता है, और माइक कोई पकड़ के बैठ जाए तो थोड़ी साकार में निकाल सकते। हाँ जी, ये पावर कम आती है आत्मा में, कंसंट्रेशन हमारा देहदारी के ऊपर हो जाता है। बाबा वो जैसे कि वो योगी का चित्र बनाया हुआ ना, जैसे जैसे योगी ऐसे बैठा हुआ ऊपर ज्योति के पुंज दिखा हुआ है, ज्योति पुंज इससे जैसे किरण नीचे आ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, और इससे ये गोलोक के ऊपर बैठा हुआ है, सारे गोलोक में से वो सारा पावर फैला हुआ है, ऐसा उसमें चित्र बनाया है। तो अभी हम जैसे आपसे मिलते हैं ना, सामने सामने मिल रहे हैं कि बाबा आपके प्रति के थ्रू हम अनुभव करते हैं, लेकिन जब आप हम और इस मैंने देह के दूरी से मन दूर हो जाते हैं, आंखों की नजर से साइड हो जाते हैं, तो उसके बाद बाबा जब हम याद करते हैं ना, तो इससे आमने सामने याद करना चाहिए या थोड़ा दूरी उसमें से याद कर सकते हैं, या बर्तन में भी याद कर सकते हैं। सामने है तो सामने ही याद किया जाएगा, ऊपर से शिव बाबा का ऊपर बैठा हुआ है जो उसमें पतितों को पावन बनाने के लिए नीचे आ चुका है या ऊपर बैठा है? जूते बिंदु को जो ऊपर ऊपर मुरली बोला है, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शुद्ध संप्रदाय। हाँ ऊपर है शिव बाबा, है फिर पता नीचे आ गया, ऊपर जाके क्या करेगा? 500 करोड़ को पावन बनाने का काम नीचे करना है या ऊपर करना है? और जो जिसके जिसके प्रति जिसका बहुत प्यार होता है ना बाबा, वो इधर देखो उधर दिखाई पड़ता है, ऐसे बोलते हैं भावना। और जैसे आंसुक मासूक होते हैं तो ये को सिगरेट पीता है, उसका धुआं निकलता है, और मासूक को वो धुआं में उसका चित्र देखता है। ऐसे शिव बाबा बादलों में इधर उधर आकाशों में देख सकते हैं। शिव बाबा माने ज्योति बिंदु, या जैसे आप साकार में निराकार बिंदु को बाबा कहना ही जाएंगे, तो चित्र में विचित्र वो ठीक है, वो भावना की बात हो गई ना। तो वो भी हम बादलों में ऐसे चित्र देख सकते हैं, वो भावना की बात है। तुम कहीं भी देखो वो राइट होता है रॉन्ग होता है, ऐसे देख लो, भावना की बात है, कल्पना की बात है, अपनी अपनी कल्पना है। शास्त्र में गोपियों ने एक बार कृष्ण को देखा, गोपियों ने कृष्ण को एक बार देखा, देखा सुना उठा बैठा बोला खाया पिया जो अभी हो रहा है, तो वो जिंदगी भर के लिए खाप बैठ गया, तो जहाँ बैठे वही याद आना है। प्रैक्टिकल आंखों से जो देखते हैं तो याद आता है, वो तो याद आता है, वो प्रैक्टिकल बात है, वो याद हुआ ना, वो प्रैक्टिकल बात है जो हमने आंखों से देखी है, तो याद आ रहा है। अच्छी बात है, खराब बात क्या है? ये भी याद के लिए इसमें हुआ ना। अब हवा में देखना ऊपर, तो ऊपर हवा में है क्या? वो तो सर्वव्यापी हो जाएगा, तो सर्वव्यापी की लिस्ट में आ गया ना। जैसे रात के चलते समय जैसे चांदनी रात होता है ना बाबा, तो हम चलते हैं तो सांप भी चलता है, जैसे हम गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो बाबा कहीं साइड में हमारे साथ ही यात्रा कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है। वो जो याद है वो राइट याद है रंग याद है, वो सब भावना की बात है। अपनी बात यह शिव बाबा कहाँ है? अभी मधुबन में होगा या मधुबन अभी तो क्या मधुबन अभी आपके लिए यही मधुबन है, असली मधुबन तो यही होगी, असली मधुबन आपने पहली बार तो यहाँ अनुभव किया। बाबा ब्रह्मा का 5 मुख देखा, उसमें भी एक मूर्ति गुम हो गया, वो कौन है कैसा? वो ब्रह्मा रहा ही नहीं, वो तो देवता बन गया, भगवान बन गया, कौन है वो? अंकल बाबा सागर मन उनको वो सांप जो है उसका सर असुरों के और देवता के ऊपर वो किसकी याद आ रहा है। अभी जो मुरलियाँ चल रही है ये मुरलियों में से जो भाषा निकल रही है वो बीके वालों को कैसी लगती है और जो एडवांस में चलते हैं उनको कैसी लगती है। जो एडवांस में चलने वाले हैं मुरली तो एक ही है, वो मुरली जो एक है जो कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलाई गई है उसका क्लैरिफिकेशन ही तो है, व्याख्या ही तो है, लेकिन वो व्याख्या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कैसी लगती है सुनने में रानी की लगती है और एडवांस वालों को कैसी लगती है। बस ये देवता हो गई है तो हम बाबा की कीमत को फॉलो करते हैं, इसलिए हमने जैसे ये पूछ पकड़ी हुई है वो मुंह पकड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, इन्होंने ऐसे बोला ये मुंह पकड़ना हो गया। चलो फिर टाइम ज्यादा होगा बाबा जी जहाँ में बैठे है ना ये नदी का नाम भी त्रिशूली है तो किस हिसाब से नाम बना नदी का नाम त्रिशूली नाम पड़ा है हाँ जी करने वाले हीरा में सिर्फ का पैदा है जो मनुष्य मरता है उसका काट क्रिया हो जाता है, काटक्रिया करने से वो पार हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है ऐसे मानते हैं। हाँ मानते हैं लेकिन हम क्रिश्चियंस का ऐसे क्यों नहीं होता, मुसलमानों का ऐसे क्यों नहीं होता, भारतीयों का ऐसे क्यों नहीं होता, नहीं होता ना तो सीधा ले जाएंगे गाड़ देते हैं तो क्या नरकों के ले जाते हैं। ऐसा अपनी अपनी मान्यता है, कहीं छोड़ने के बाद कुछ भी करो कहीं को तो कोई चिंता की बातें नहीं। हमारा युगल ने बोला कि होलसेल में सब मर जाएंगे तो क्या काट क्रिया करने का कोई नहीं है, क्या उसका मुक्ति मिल सकता है। क्रिया कर्म करो मृत शरीर का न करो कोई अंतर नहीं करो, ये सब भक्ति मार्ग की परंपराएं हैं, भूती परंपराएं में कुछ भी रखा नहीं समझते हैं। 13 दिन तक शरीर में आत्मा वास करती है ऐसा कुछ नहीं, जो मुरली में बोला है वही सही है। आत्मा शरीर छोड़ती है तुरंत जाके दूसरे घर में प्रवेश कर जाती है, उसको काट क्रिया करे या न करो ऐसे ही नदी में छोड़ दो, जमीन में गाड़ दो, ऐसे ही जला दो, कुछ भी न करो, कीड़े पड़ जाए जंगल में पड़ा रहे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे नहीं कि आत्मा की दुर्गति हो जाएगी, अब जब विनाश होगा बड़ा विनाश होगा सारी सच्ची का, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो बनी पड़ी हैं सैकड़ों सैकड़ों मार की, अब ढेर के ढेर मरेंगे तो वो सब कहाँ जाएंगे, उन्हें जलाया जाएगा कि जमीन में गाड़ा जाएगा पानी फेंका जाएगा, चढ़ेंगे ना चढ़ जाएंगे, उनकी दुर्गति हो जाएगी। परमधाम नहीं जाएंगे, परमधाम जाएंगे कि नहीं, अपना पास जाएंगे सब परमधाम जाएंगे, ऐसा झूठी बात है बाबा। अभी तो परमधाम में गेट खुला नहीं है तो लोग जो शरीर होते हैं कोई तो झोलाते हैं कोई ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती है हड्डी वो जल्दी तो सड़ती नहीं है, वो जो भी जमीन में पड़ी हुई होती है ना तो उसको उठा के लाने से या उसके पास जाने से उसके साथ इंजन चोल आती है, ऐसे हड्डी तो क्या नहीं होता है, ये सब भावना है। वो क्या इंद्रजाल वो तंत्र मंत्र विद्या वाले वो हड्डी को प्रयोग करके वो सब काम करते हैं, वो उनके साथ भूत प्रेतों से जिक्र करना अलग बात होती है। वो तो अकाल मौत वाले हैं। क्या जिनका अकाल मौत होता है उनको शरीर नहीं मिलता और सूक्ष्म शरीर इधर उधर मंडराता रहता है, उनको कंट्रोल कर करके उल्टे पलटे काम करवा लेना एक अलग बात है। तो अस्थियाँ जहाँ होती है वहाँ वो इसलिए ज्यादा आता है ऐसे बताते हैं। जैसे किसी ने घर बनाया उससे पहले वो शमशान उसमें था, मन किसी को उसमें दफनाया गया था, उसके ऊपर घर बनाया तो उसको घर में कभी शांति से जीने नहीं देता है। फिर वो तांत्रिक वाले देखता है सब मान्यता है, यहाँ हड्डियाँ पड़ी जो भूत प्रेत मानते हैं उनके लिए सिद्ध होता है, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ भी सिद्ध नहीं होता। वो खुदाई करके निकालते हैं। इलाहाबाद के मकान में 1 साल के अंदर 9 मौतें हुई थी, जिनकी बुद्धि में बात बैठी हुई है ऐसा हुआ था इस मकान में, उनको अनुभव होता है कि हाँ वो सोलाई। हमको तो कभी अनुभव नहीं हुआ, इसलिए मुरली में बोला है भय का भूत होता है। शास्त्रों में 84 व्यंजन दिखाया हुआ है, वो भी तो इसी बात की कोई यादगार होगी। 36 प्रकार के व्यंजन उसकी भी कोई आमदन होगी ना। हाँ बना बना के खाते नहीं है अच्छे। हाँ बाबा हमारे भाई बहन है ना, अभी जो पढ़ाई करके मैट्रिक पास किए हैं वो कॉलेज में दाखिल है, होना है नहीं होना है, कौन सा पढ़ाई पढ़ना है वो कंफ्यूज है। और उसमें भी तो उनके ऊपर है ना कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ना है या वो थोड़ा चीप सब्जेक्ट पढ़ना है। वो अपना पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं जी, और नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई खास नुकसान नहीं। इससे सस्ता अपना कोई धंधा करने लगे, खेती किसानी करने लगे, इसमें कुछ अर्निंग तो होगी। वो कोई डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं, कोई इंजीनियर पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टरी पढ़ेंगे। 5 साल पढ़ने के बाद फिर कहीं हो हल्ला शुरू हो गया, डॉक्टरी बेकार चली जाएगी। तो वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या पढ़ना है। नहीं तो हुआ पड़ा है डागरी पढ़ाई नाम दे दिया। मैंने तो बाबा ने आके कर दिया ना, ये डागरी पढ़ाई है। मन बुद्धि से परमधाम चली जाएगी, आत्मा भी चली जाएगी। मन बुद्धि को तो आत्मा कहा जाता है। नहीं, नहीं, मन बुद्धि को आत्मा नहीं कहा जाता है। हाँ, वो तो है। काम में रहेगी या काम छोड़कर ही चले जाएगी। मन बुद्धि परमधाम में जाएगी, शरीर यहाँ पड़ा रहेगा बर्फ। यही मकान बना दो, सपना नहीं बन सकता। सपना तो सोता है ना आत्मा, सोते सच होता है कि ये झूठ है। नहीं स्वप्न में जो बात दिखाई देती है तो फिर प्रैक्टिकल जीवन में होता है नहीं होता है, हो सकता है नहीं होता। सात्विक स्टेज में स्वप्न दिखाई देता है सवेरे को तो सच्चा भी हो जाता है। स्टेज की बात है, स्वप्न और संकल्पों और साक्षात्कार ये रील संगम में तो बहुत ही घूमती है। 63 जन्मों की रील अभी घूम रही है। जैसे जैसे संकल्पों की रील घूमती है वैसे वैसे हमारा पुरुषार्थ भी वो अप एंड डाउन होता रहता है। उन जन्मों के अच्छे संकल्पों की रील घूमती है तो हमारा पुरुषार्थ अपने आप अच्छा हो जाता है। उन जन्मों के खराब संकल्पों की रील घूमने लगती है तो हम कितना भी पुरुषार्थ करना चाहें तो भी पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता। जन्म के खराब वो रिहर्सल हो गई है ना अभी संगम में। इसी बात को लेके ना कई बात बहुत उल्टे हो रहे हैं। क्यों? जब मान लो कुछ साथ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाई चांस उनको बोल रहे हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, तो बाबा ने तो बोला है मेरे को जन्म की रील घूम गई, मेरा पाप कर्म आ गया, इससे मैं आज तक सुबह नहीं उठता हूँ तो इससे सुबह नहीं उठ पा रहा, मेरे पाप कर्म सामने आ गए। तो तुमने पाप कर्म क्यों समझ लिया? तुम ये समझो ना कि पुण्य कर्म उदय हो गया, इसीलिए आ रहा है। तब मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ, सब क्लास नहीं कर रहे हैं। अच्छी संकल्प करो ना, रील घूम रही इसलिए ऐसा हो रहा है। और पिछले सीजन की वाणी अध्यक्ष वाणी में पांच स्वरूप का अभ्यास करने के लिए आया है। पांच स्वरूप, पांच स्वरूप, हाँ। वो परमधाम स्टेज और कृष्ण पतन वाला स्टेज और द्वापरी की पूज्य स्टेज, संगमी की ब्राह्मण स्टेज और निराकारी स्टेज, ये सब आप लोग सब आता बहलाते रहते हैं। कोई बात सुना सुना ज्ञान की बातों से तो उनका कोई ज्यादा कनेक्शन होता है। और मुरली में आता है वो हाई इंस्पिरेटिंग पार्टी, वो हाई इंस्पिरेटिंग पार्टी। अच्छा अच्छा, इंस्पिरेट का मतलब है दूसरों को वो गुस्सा आने लाने, ज्ञान को नहीं करेंगे। लेकिन ये भी तो होना जरूरी है ना। और बाबा में आता है ना, उन्हें परमधाम घर को याद करना और घर में बाप को याद करना। घर को याद करना है और घर में बाप को याद करना है। मुरली माता है ऐसा। मुरली जिस समय की चली है उस समय की बात आप लागू कर सकते हैं। परमधाम तो तुम बच्चे परमधाम को सस्ती पर उतार लेंगे। कौन से परमधाम में कहाँ कौन से बाप को याद करना है? घर में याद करो, घर में बाप को याद करो। हाँ, तुम बच्चे परमधाम को सस्ती पर उतार लेंगे तो घर कहाँ आ जाएगा? सृष्टि में आ जाएगा। सृष्टि में फिर बाप कहाँ होगा? घर में। घर है, घर के बाप तो परमधाम यही होगा। कहाँ होगा? बुद्धि से परमधाम जाएंगे ये बोले हैं, ये वो जाएंगे बाद में। पहले तो संगठित रूप में यहाँ परमधाम की स्टेज बनेगी तो यहाँ सारी दुनिया आकर्षित होगी। दूसरा परमधाम जो अभी तो यहाँ जहाँ बाप वहाँ परमधाम हो गया। अभी नहीं है परमधाम जहाँ बाप है। परमधाम तो दो ही जगह है। अभी जो भविष्य का परमधाम जो साकार सृष्टि पर होगा वो अभी है ही नहीं। वो तो नहीं, तो संगठन जब इकट्ठा हो जाएगा ममता में तो बनेगा। बाबा जहाँ है वहाँ शिवबाबा है। वहाँ जहाँ बाबा है वहाँ 500 करोड़ आत्माएं थोड़ी इकट्ठी हो गई, वही पड़ी नहीं। अभी ये जगह शिवालय हो गया ना बाबा। शिवालय अलग बात है, परमधाम अलग बात है। परमधाम को शिवालय नहीं बोलते। परमधाम तो वहाँ आत्माएं अभी भी ढेर सारी आत्माएं लटकी पड़ी जो उतर रही है। यहाँ से आत्माएं लटकी पड़ी है कोई आपके पीछे लटकी है ना? हमारे पीछे कौन सी आत्मा लटकी? जिन्होंने ज्ञान उठा लिया है वो लटकी पड़ी, लेकिन सब लटकी पड़ी। जिन्होंने ज्ञान उठाया वो लटकी पड़ी। तो अभी परमधाम में बुद्धि ले जाते हैं तो वो सूरत परमधाम में क्यों बुद्धि ले जाते हैं? क्यों जानबूझ करके सूत्र बन रहे हैं? मुझे बोल दिया जो मुझे परमधाम में याद करते हैं, ऊपर याद करते हैं, वो है शूद्र संप्रदाय। शिव बाबा तो नीचे आया हुआ बेसिक से बार बार बुद्धि क्यों चली जाती है? नहीं, वो बाबा दूसरों को समझाना पड़ता है ना। दूसरों को समझाना पड़ता है, उनको बुद्धि घुमाने के लिए हमें मसाला चाहिए। वो तुमसे सारे प्रश्न करने लग पड़ेंगे। तुम तो कहते शिव बाबा इस दुनिया में आ चुका है, अपने को पावन बनाने की याद चुका है, तुम ऊपर क्यों याद करते हो? कर रहा है जो शिव बाबा तुम्हारा भागता फिरता है क्या? एक तरफ कहते हो परमात्मा शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, अभी तुम सर्वव्यापी बना रहे हो। परमधाम में भी बता रहे हो, यहाँ भी बता रहे हो, ये सब क्या चक्कर? खुद ही पकड़ जाओगे। हाँ, मुरली में कहीं ऐसा है ना, मुरली में कहीं विरोधाभास नहीं आया है। तुम जहाँ याद करोगे मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब तुम लैट्रिन में याद करना शुरू करो, बाथरूम में भी याद करो, ऐसे माउंटाओं में याद करो। अपनी भावना शुद्ध रखना चाहिए। शिव बाबा तो पत्थर ठेकर में प्रवेश भी नहीं करता है। बाबा क्या बोल, शिव बाबा तो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ में प्रवेश करेगा, न कि भ्रष्ट में प्रवेश करेगा। ऐसे क्यों उसकी निगरानी करते हैं? नहीं बाबा, वो बोलते हैं ना महाविनाश काल में तो अचानक भूकंप। ब्रह्मा कुमारों की बातें जो है फिक्स करनी है बुद्धि में। वो तो 14 सालों से उसको निकालो तो निकालने में थोड़ा आपसे मसाला चाहिए। और ज्ञान का मसाला क्या है, उसकी भी आई हुई है घर में, रोज सुनो सुन रहे हो तो। लेकिन बाबा बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि की। अगर ये शास्त्र सब और ये संगति यादगार है तो देवी देवता सत्य देवता में करेंगे क्या? देवी देवता करेंगे क्या? जो शास्त्रों में लिखा है ये क्या, जो शास्त्रों में लिखा हुआ सारी बात है क्या वो सत्य त्रेता में करेंगे क्या? जो लिखा हुआ है सत्य त्रेता में की हुई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अभी संगम में किया हुआ लिखा हुआ है? चतुर्विता को इसी में हिसाब से चतुर्विता की बात है तो शिवबाबा अगर बता रहे हैं अब यहाँ बैठ गए कि यहाँ से दूसरे का नहीं होता बोलना चाह रही हिंदी नहीं जानती है नेपाली में बोल लूँ और जितना भाषण में ऐसा माहौल बनाओ कि जब क्लास चलता है उस समय हिंदी बोलना दूसरी भाषा बोलनी नहीं। क्लास में जैसे नेपाली भूल जाए बार बार आप लोग सब बोलो तो हम यही बोलते हमने दूध बोल कर आए हैं मामा हमको पाप करेगा जल्दी जाओ नहीं स्कूल पर झूठ बोलाया आपने झूठ का लेख हमारे ऊपर मत कराओ जल्दी जाओ आप एग्जाम पर ना तो टीचर बोल रहे थे कि वैसे एग्जाम चल रहा है तो हम वैसे झूठ बोल कर आए हैं तो पाप करेगा या नहीं छुट्टी लेके नहीं आए नहीं छुट्टी लेते तो नहीं देते ना एग्जाम चल रहा था। अच्छा चलो चलो फिर राम ने खाली और फेंक दिया और अंत समय जब लक्ष्मण की मार पड़े वही बूटी डाके जो फेंक दिया था वही बूटी बन गई वही बूटी उनके काम आई। प्यार में ताकत होती है ना प्यार को लक्ष्मण जी ने नहीं समझा राम ने उस प्यार को समझ लिया। प्यार से दवाई ली जाती है वो फायदा करती है जैसे जबरदस्ती ली जाती है बिना भाव के बिना भावना के वो दवाई काम करती है। प्यार से जो दवाई ली जाती है वो काम कर जाती है। ज्ञान में है दो और बच्चे हैं तो सबके सब फिर अमर कांटे बाबा ने तो ऐसा वाणी बोला हुआ है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा जो एडवांस में आ रहे हैं। क्या करना चाहिए आज नहीं तो कल उतने पिता कहते हैं कि जो है उसमें ब्रह्मा के चित्र अभी साकार मनुष्य के है और जो विष्णु और शंकर के जो चित्र है वो शास्त्र के अनुसार है और उनको कहो धीरे धीरे निकलेंगे पहले ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है फिर शंकर प्रत्यक्ष होता है फिर विष्णु प्रत्यक्ष हो जाएगा और वो श्रीमूर्ति का जो चित्र है उसमें ब्रह्मा के शास्त्र के अनुसार क्यों नहीं डाल देता है। अब जब सच्चा प्रत्यक्ष हो गया तो गीता का ही डालेंगे अभी सच्चा का पता लग गया ना सच्चा पक्की है ना हुआ ही नहीं, काल्पनिक बात को क्यों डालें? और आप मानते क्यों हैं? आप सच्चाई को मानिए। शंकर की जगह में जाएगी वो दाढ़ी है, दाढ़ी में दिखाई जाती है। जो देवता होते हैं उनको दाढ़ी में थोड़ी होती है। वो भी तो देवता है ना। कौन देवता है? तो अगले जन्म 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 अपने ये मंदिर नहीं बनते, देवता है नमा, दूसरी देवता है नमा, शंकर देवता है। हाँ, ब्रह्मा को देवता के रूप में नमा। वो कौन सी ब्रह्मा देवता को कहते हैं? ये दारू वाले को या दूसरे देवता को? प्रजापिता ब्रह्मा। अरे